please subscribe Brightifect channel, hit the bell icon to receive the notification. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आप सभी ने अभी देखा रहेगा नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक का वीडियो। सो बेसिकली आप सभी को ये देख के पहले लगा होगा कि ये कोई फेक वीडियो है। सो मैं बताना चाहूँगा कि नोकिया ने ये रिलीज़ किया है कि दे विल बी लॉन्चिंग एक्सप्रेस म्यूजिक 2021 दिस ईयर एंड वी कैन सी सम न्यू फीचर्स इन दिस फोन। सो आइए चलिए देखते हैं, इसके स्पेक्स पर नज़र डालते हैं कि ये फ़ोन कैसा रहेगा और कैसा दिख सकता है। सो सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन की स्क्रीन की। सो ये फ़ोन एक 6.9 इंच के एमोलेड स्क्रीन के साथ मिलेगा, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने मिल सकती है। सो ये फ़ोन फिर 5G के साथ अवेलेबल होगा और हमें इसमें चार कलर्स देखने मिल सकते हैं। और इसके कैमरे की बात करें तो ये 108 मेगापिक्सल और 12 और 16 के कॉम्बिनेशन में दिख सकता है। और इसमें जो फ्रंट कैमरा रहेगा वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा। और ये एक नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। बेसिकली हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए एक पंच होल देखने मिल सकता है, और एल्स इसमें एक पॉपअप के साथ भी ये फ़ोन अवेलेबल हो सकता है। सो मैं बात करना चाहूँगा इस फ़ोन के बैटरी की। सो 7100 mAh बैटरी इसमें देखने मिल सकती है, जो कि बहुत ही पावरफुल रहेगी इस फ़ोन के लिए। और हम सब जानते हैं नोकिया अपने बैटरीज के लिए पहले से फेमस है, तो इसमें हमें एक तगड़ा बैटरी देखने मिल सकता। सो हमें इस पर 33 वोल्ट का एक क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल सकता है, और ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग के साथ अवेलेबल रहेगा। सो बात करें 3-point ऑडियो जैक पोर्ट की, तो वो भी शायद से हमें इस फ़ोन पे देखने मिल सकता है। शायद ही इसमें सी टाइप ईयरफोन का सपोर्ट हो, इसमें बेसिकली 3.5 जैक का ही यूज़ किया जाएगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो हमें देखने मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल है गेमिंग और बाकी सब यूजर्स के लिए। गाइस ये थे क्विक स्पेक्स इस फ़ोन के, जो कि हमें देखने मिल सकते हैं नोकिया एक्सप्रेस 2021 में। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।